हाँ जी भाई मित्रों, किवें हो? काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग पा रहे हैं। इस वेले मैं बस अड्डे ते ही हां, इत्थे अपना गोहन दे फिलहाल ही बस की वेट करता पिया हां। मैं जाना अच्छ कॉलेज में, अच्छ ईवनिंग क्लास है 6 बजे, एक क्लास सी 3 बजे, वो मिस हो गई, लेट हो गया, तो हम 6 बजे वाली क्लास लगानी पैनी है 6 बजे से 9 बजे तक। फिलहाल के लिए वेट करता पिया। सो ये सिंपल एक दिन का कुछ इदा ब्लॉग टाइप कुछ नहीं है। हफ्ते के बच्चे जो टाइम लगा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके सारे क्लिप्स में ज्वाइन करके एक ब्लॉग बनाऊँगा, देखते कि ब्लॉग बनता। तो चलो ये थोड़ी जी इंट्रोडक्शन सी करना शेयर कर, ठीक है भाई? फिलहाल ये तो बस ही वेट करता पे, बसा इतने आ जाए। एक गो ट्रांजिट टर्मीनल अज का आया, तो गो ट्रेन या गो ट्रांजिट बसेस जुड़ियाँ होंगे, एक शहर तो दूसरे शहर, वोन तो ब्रैम्पटन में जाना या मिसिसागा में जाने वाली डायरेक्ट बस होंगी ज़्यादा स्टॉप से नहीं रोक रही। जिहड़ियां जूम बसेस आ वो काफ़ी स्टॉप से रुक रही हैं, ब्रैम्पटन ट्रांजिट दी वो बसेस आ काफ़ी थावां ते रुक रही हैं। तो वो बस का इतना फायदा है कि डायरैक्ट जाऊगी, तो मेरा कैंपस मिसिसागा चा, सो डायरैक्ट बस मिल जानी है तो सौखा रहेगा। फिलहाल के लिए आप बस की वेट करते हो, अगर देखो किसी का नाम मे भी ये अगे मैं शूट करा, मे भी किसी होर नैक्सट किसी होर दिन। तो गो ट्रांजिट बस आ चाली इत जाना है, अभी एक आई है ना, तो सेम ही है। तो ये बसा चल रही है 41 है, मैं 40 की वेट कर सकता। ओके ओके, सो ये डबल डेकर बस है, ये चार्जेस नॉर्मल नालों ज़्यादा होंगे। जे मतलब इतने इदा है कि इदा नहीं हो कि डेस्टिनेशन के हिसाब न चार्जेस आ, एक बार तुम परचेज कर लिया मतलब कैस्टो कार्ड यूज कर लिया 2 घंटे लिए वैलिड आ। सो 3.88 डॉलर चार्जेस आ जूम बस के, वो जी बस आए वाली ये चार्जेस ज़्यादा आ। ओके आराम अगे जाना है, तो आराम नाली सब वाइया हो जाना है, वधिया व्यूज काफ़ी सोहने इतने रात। लुक एट दैट स्पेक्टेकुलर व्यू मैन, पीयरसन एयरपोर्ट जिहड़ा कि बिजीएसट एयरपोर्ट आ कैनेडा का। तो इत्थे एक जगह आ जिथों ना जिहड़े जहाज टेक ऑफ करते हैं, तो हर एक कुछ कुछ सैकेंड बाद टेक ऑफ करते हैं, तो उतो बहुत नज़दीक तो देखते हैं, बस उस रूट तो होके जाती है। जो मौका मिले तो तुम दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में आही एरिया है वो टोरोंटो पियर्सन एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, तो आ जहाँ रोड आ देखते अंदर एक रोड है उतों देखते होंगे, जो सीन मिले तो मैं जरूर चेक करवाऊंगा, वीडियो चैट करूँगा।
मौसम वधिया होया पिया, धुप ही सनसैट हो रहा है, वैसा वधिया लग रहा। सो उदा ठीक रहिंदियां मेरियां क्लासेस दा जाना, होर हिसाब किताब इन्ना औखा नहीं। औखा मतलब हुण जिदा दा हैगा, मतलब औखा सौखा की कहना, मतलब ठीक आ। तड़के निकली दा शाम नूं आई दा, बट वो नहीं कोई चक्कर। जिस दिन क्लास होंदी है, क्लासेस ईवनिंग च, उस वेले वाला लेट हो जाना मैं करी, वो टाइम औखा होंदा। अदरवाइज चलो कर लईदा, मैंने इन्ना कोई चक्कर नहीं। चलो देखते हैं, हम क्लास क्लूस लगावे, 9 बजे भी ले आवेंगे, 10-10:30 बजे घर पहुंचा, तड़के फिर निकलना। चलो तो ठीक है, ओके आ। हवा ही चलती उदा वधिया लग रहा। चलो ठीक है मित्रों, हूँ फ्री होया मैं क्लास तो, 9 बजन लगे आ, हूँ घर में जावे बस लै के। ठीक है भाई, साढ़े 10 हो गए हैं, तो हमें घर पहुँचना है, 15-20 मिनट वो लगने, 11:15 बजे तक। ठीक रहा अच्छा दिन, वैसे बसा बहुत भरिया हो, मतलब जिदा अंग्रेज घट पे अपने पंजाबी ज़्यादा हो जाने, इस बस के मोस्टली पंजाबी बैठे आ बहुत सारे। फाइनली पहुंचे, तो हूँ घर में। तो इस तरीके दिन की समाप्ति, तुहानू अगले ब्लॉग च मिलांगे। आ सिंपल ब्लॉग सीगा, तो हूँ तो अगे मैं सिंपल सिंपल ब्लॉग ही पाया करांगा, क्योंकि एडिटिंग भी मोबाइल दे विच, शूटिंग मोबाइल दे विच, ते नाल नाल ही आपां कुछ ही करांगे, अपलोड करांगे। अदरवाइज रेगुलरिटी भाई बिल्कुल नहीं बनती, जो कि रिक्वायरमेंट वा यूट्यूब वर्ल्ड की। सो उस हिसाब ना देखा जाए तो इदा ही करना पैना, नहीं तो एडिटिंग वगैरह थोड़े क्रिएटिव जे टाइप के ज़्यादा ब्लॉग जोड़े होंगे उन्होंने टाइम बहुत लगता, मेहनत बहुत लगती है, तो व्यूज इन्ने आते। सो हम सिंपल तो ब्लॉग बनावे, बट फिर भी सिंपलीसिटी के भी थोड़ा जहा कुछ चंगा ही शूट करने की कोशिश करा। ठीक है मित्रों, आई थिंक इतने एंड करना, यही सगा भी जो ब्लॉग से। ठीक है, ओके, टेक केयर।